हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट टू फ्रॉम द पार्ट वन एंडिंग। कैप्चरिंग तो ठीक है, करता रहेगा अपना, इसको भी लगाया करना पड़ेगा रात भर तक। इसी कारण पावर बैंक लगाया है, जितना होगा वो देखते हैं। वहाँ पे वो लगा हुआ है, हम उसको उतरना है इस टेरिस से, इसकी तरफ तो इसकी है, अपना उतरते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक हैंगिंग ब्रिज है, वो हमको मिल नहीं रहा है। तो हमारे पास एक ड्रोन है, DJI का Mini 3 Pro, तो उसको जैसे ही वो थोड़ा खाली मिलेगा वहाँ से उड़ा के मैं देखता हूँ और पता लगाता हूँ कि एक्चुअली कहाँ पर है ब्रिज। क्योंकि केरला जहाँ पे हम लोग ऐसे में हैं करेंटली, तो थोड़े वहाँ पर हल्का सा मतलब कि पूरा ग्राउंडेड है अगर आप देखो तो। यहाँ पर सो विद द हेल्प ऑफ DJI Mini 3 Pro हमें पता लग पाया कि जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे ये उसी रास्ते पर ही है, तो हमें अगर जब बैक जाना पड़ा, बट वी फाउंड द ब्रिज। चलो आपको एक अच्छा शॉट दिखाता हूँ ब्रिज का, और ये हैंगिंग ब्रिज। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तरफ सही है। सो फाइनली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई थिंक आई हैव एवर विजिटेड। और इतना देख सकते हो कि ये ब्रिज है और ये बड़ी मुश्किल से हमको मिल पाया है। ड्रोन उड़ाया था मैंने, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा अभी, तो वही है कि हम लोग यहाँ पर मस्त तरीके से घूम रहे हैं। भीड़ काफ़ी कम है यहाँ पर, बाकी फैमिली मेम्बर्स इंजॉय कर रहे हैं। तो यही सर, तो ये जो ब्रिज है पीछे जो अभी मैंने आपको वीडियो शॉट दिखाया है, तो उसकी लोकेशन मैं शेयर कर दूंगा, और जो स्नैपशॉट है
क्योंकि नेटवर्क इशू है यहाँ पर। तो तेजस्वनी रिवर है कोई, तो वहीं से ब्रिज है, ठीक है, और काफ़ी मजबूत है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और बाकी मैंने बता दिया मजबूत मुझे लगा क्योंकि हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपका बैड लक होगा तो अलग बात है, बट इट इज़ स्टिल गुड, ओके, इट्स स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, स्टर्डी है, ठीक है। बाकी बस ये सब, चलते हैं फिर अभी नाश्ता करने के लिए। ब्रिज देखने के बाद हमने अपने वापस स्टे पे गए और ब्रेकफास्ट किया, और फिर वहाँ से गए थे हम लोग करेटला के फेस्टिवल थाईम। यहाँ पे हम लोग आ तो गए हैं टेम्पल, लेकिन आई थिंक टेम्पल क्लोज है, थोड़ा लेट हो गया था, बट कोई नहीं, थोड़ी बहुत फोटो वोटो खींच के, और इसके सामने ही बीच है, बस टाइम स्पेंड करके निकल लेंगे। वहीकल में फिर थाईम फेस्टिवल और ये टेंपल में जाने के बाद, बट अनोइंगली टेंपल क्लोज था और वहाँ पे कुछ शादियाँ भी हो रही थी, तो हमने सोचा कि फिर वहाँ से निकलते हैं। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधे निकलते हैं आपका कन्नूर फोर्ट के लिए, जो कि वहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। और उससे पहले हमने लंच भी रास्ते में कर लिया था, तो ऐसी टाइमिंग बनी इसे कि हम लोग यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम में पहुँचे थे। तो थोड़ा बहुत जो शूट कर पाया मैंने वही शूट किया। और इस कन्नूर फोर्ट के पीछे भी बहुत सारी हिस्ट्री है, तो मैं डिटेल लिंक जो होगा विकिपीडिया का वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। मेन बात यहाँ पे अच्छी मुझे लगी कि यहाँ पे जो क्लिप्स हैं, ओके, तो वो कैसी हैं कि जैसे कि आपका वर्कला में थी, जब मैं वर्कला गया था तो वहाँ पर थी, हाँ उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लिप्स नहीं हैं, बट हाँ अच्छी हैं क्लिप्स। और बस यही है, यहाँ की शाम देखो कैसी लगती है। तो यहाँ की ये शाम देखने के टाइम पर ही मैं जाता हूँ जब, तो वहाँ देखता हूँ कि सामने की स्टैचू है। कोई अगर कन्नूर में है और वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि लोकेशन जो है वो तो कौन सी जगह की है। और बाकी यहाँ पे क्या है कि क्लिप्स हैं, और ये हम लोग ऊपर घूम रहे हैं, कन्नूर फोर्ट जो है उसकी जो बाउंड्रीज है वहाँ पर घूम रहे थे, तो ये वहाँ का शॉट है। और ये है आपका, जब लास्ट में आप आ जाते हो तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीधे निकल लेते हैं अपना स्टे के लिए, और स्टे पहुंचने के बाद हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले बता देता हूं मैं रास्ता, जो ये रूट है प्रॉपर्टी तक पहुंचने का, तो वो हल्का स्लिपरी है और आप स्लिप कर सकते हो, तो इसी कारण मुझे ये रास्ता नहीं जमा, सिंपल सी बात, नहीं सही लगा। दूसरी बात क्या है कि जो पार्किंग थी वो 3 मीटर पहली पार्किंग कर दी गई थी, तो अगर रात को आपका मन हो के घूमने का तो आपको इसी रास्ते वापस जाना है, और गलती से कोई भी कुछ आपको काट लेता है तो वो आप समझ सकते हो सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है आपको बचाना, ओके। तो ये लकी था कि हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पर था, तो मैंने कुछ शॉट लिए वहाँ के, मगर मुझे प्रॉपर्टी समझ नहीं आई, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग जो ओनर से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं, डेट्स वाई वी पेड, राइट। ये बात अलग है कि हाँ उनका जो लॉक था वो काम नहीं कर रहा था, और जो की है वो मेरे पास की गलती से आ गई, तो वो मैं रिटर्न कर दूँगा एसेप्ट।
चलो बाकी जो है सो है, बट वी एंडेड दिस ट्रिप विद अ वेरी गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे मुझे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस बीच के जस्ट सामने की तरफ ही है, ओके, जहाँ पे आपका ये ऊँट की सवारी हो रही है और मैं इस पर ऊँट की सवारी कर रहा हूँ, ड्रोन से कैप्चर कर रहा हूँ और इन हंड्रेड रुपीज़। तो ये राउंड है, आप देख सकते हो वहाँ पे जो स्टोन है, ये बंदा वहाँ से घुमा के लेके आएगा वापस। और रेस्टोरेंट रियली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और बहुत ही प्यारा भी होता हुआ आई थिंक रात में, तो लेकिन हम लोग दोपहर में ही थे, करीब 1-2 बजे के आसपास हम लोग निकल लिए थे फिर। और मैसूर बैंगलोर हाईवे से होते हुए हम लोग सीधे अपने बैंगलोर में वापस पहुंच जाते हैं और फिर ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और बट रियली मतलब कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कि स्टार लैब्स हुआ, स्टार ट्रेल हुआ, इंटर 361 एक्स टू ने बहुत अच्छा काम किया, ओके, और ड्रोन शॉट। तो होप यू विल लाइक द वीडियो, ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी 5 डेज साउथ इंडिया ट्रिप पार्ट 2।